नमस्कार। लेम बनाने की श्रृंखला के आज 11वें दिन में हम आज बहुत ही बेहतरीन लेम बनाने जा रहे हैं और इसका जो नाम है वो है ट्रंकेटेड आइकोसाहेड्रन। और ये जो स्ट्रक्चर है वो ये जो नीचे वाला जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं आइकोसाहेड्रन, इसके कोने कट करने से मिलके बनते हैं और इसकी गणित के बारे में हम आज जानेंगे। ये जो लेम देख रहे हैं और ये मेरे हाथ में जो फुटबॉल देख रहे हैं, इन दोनों की संरचना बिल्कुल सेम है क्योंकि इसके अंदर भी 12 पेंटागन और 20 हेक्सागन है और इसके अंदर भी 12 पेंटागन और 20 हेक्सागन है। ये जो हमारा ट्रंकेटेड आइकोसाहेड्रन बनके तैयार है, इसकी अगर हम गणित की बात करें तो इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है आइकोसाहेड्रन उसको हमें समझना होगा, तो इससे हमारा ये वाला स्ट्रक्चर बन जाता है। तो इसको बनाने के लिए हमें इसके कुछ कोने काटने पड़ेंगे और कोनों को हम अगर हम इस साइड को एक तिहाई 1/3 हिस्सों में अगर बांट दें, सभी साइड को अगर मैं एक तिहाई बांट दूँ 1/3 हिस्सों में बांट देने के बाद में मुझे अगर मैं ये सारे कोनों को अगर कट कर दूं 1/3 हिस्से अगर हटा दूं तो मुझे यहाँ पर इन कोनों पे मुझे एक पेंटागन दिखेगा और ये जो ट्रायंगुलर फेसेस हैं इनको अगर मैं सभी को आपस में मिलाता हूँ तो मुझे यहाँ पे एक हेक्सागनल फेसेस मिलेगा। तो इससे ये जो स्ट्रक्चर बना है उसमें सिर्फ पेंटागन और हेक्सागन होंगे, जो सभी सभी रेगुलर पेंटागन एंड रेगुलर हेक्सागन मिलेंगे और इस कोनों को हम देख के पता लगा सकते हैं क्योंकि इसके अंदर 12 कोने हैं तो इसके अंदर 12 पेंटागन होंगे और इसके अंदर 20 ट्रायंगल है तो इसलिए इसके अंदर 20 हेक्सागन होंगे। और अगर इसके अंदर हम वर्टेक्स की बात करें, इसके अंदर 12 कोने थे और अगर हमने इसके कोने को हटाने के बाद में हमें 5 और नए कोने मिल जाते हैं तो इसलिए इसके अंदर 60 कोने होने पड़ेंगे। और इसके अंदर अगर हम एज की बात करें तो इसके अंदर 90 एजेस हैं। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसको फुलरीन भी बोला जाता है, फुलरीन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसके अंदर 12 पेंटागन और 20 हेक्सागन होते हैं जो C60 कार्बन के एलोट्रोप्स में भी पाए जाते हैं और बकमिंस्टर फुलरीन के नाम से, क्योंकि जो फुलरीन जो रिचर्ड बकमिंस्टर थे उन्होंने जियोडेसिक डोम को जियोडेसिक बोल को काफी पॉपुलराइज करा है। जियोडेसिक डोम की अगर हम बात करें तो जो उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो भी आइकोसाहेड्रन है और इसी आइकोसाहेड्रन से हम अलग अलग तरह के जियोडेसिक डोम बना सकते हैं, जियोडेसिक बोल बना सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि हमारी लैब में हमने 1 फ्रीक्वेंसी से लेके 6 फ्रीक्वेंसी तक अलग अलग तरह की अलग अलग साइज की जियोडेसिक डोम बनाए हैं, जियोडेसिक बोल बनाई है। तो ये जो आप फोटो देख रहे हैं, चित्र देख रहे हैं, इसके अंदर हमारे माननीय प्रकाश जी जावड़ेकर जी के हाथ में ये जो जियोडेसिक बोल है ये 5 फ्रीक्वेंसी जियोडेसिक बोल है जो हमने लैब में बनाई है। और ये जो आप अभी चित्र देख रहे हैं ये सबसे बड़ी बॉल 25 फीट की जियोडेसिक बॉल हमारी कॉलेज IIT के कैंपस में हमने बनाई है और 15 फीट की जियोडेसिक बॉल हमने आईसर पुणे के कैंपस में बनाई है। और इस रविवार हम इन्हीं लैंपों पर 2:30 बजे और अधिक चर्चा करेंगे।